हेलो एवरीवन, नमस्कार, सलाम, वेलकम बैक टू दीप सॉल इन वन चैनल। आशा करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और आप सब ने दिवाली बहुत अच्छे से मनाई होगी। मेरी दिवाली भी बहुत अच्छी गई है। एक बार फिर से आपको इस फेस्टिव सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करती हूँ आप सब अपनी फैमिली के साथ अच्छे से इंजॉय कर रहे होंगे। अभी है दोपहर का टाइम और बस मैं थोड़ी सी ये डेकोरेशंस जो हैं वो तैयार कर रही हूँ। तो ये जो बोल है मैंने दिखाए थे अपनी लास्ट वीडियो में, जब मैंने थोड़ी सी डेकोरेशन की थी, लाइटिंग वगैरह की थी, तब मैंने ये डाइनिंग टेबल पर रखे थे बोल्स। और आज बस मैंने इनके बीच में एक बड़ी वाली कैंडल रखी है, थोड़ा सा पानी डाला है और उसके बाद इसमें फ्लावर्स रख दिए हैं। तो कुछ कुछ ये उरली वाला जो फीलिंग है वो देता है और ये बहुत अच्छा लगता है। शाम को पूजा के टाइम पर मैं इनको लाइटन अप कर दूंगी एंड इट गिव्स रियली वॉर्म फीलिंग और बहुत अच्छा लगता है। दिवाली की डेकोरेशन करना जितना अच्छा लगता है, उतना ही दिवाली जाने के बाद इन चीज़ों को उठाना बुरा लगता है। ऐसा लगता है कि अब 1 साल बाद ये सारी चीजें होंगी। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा था लास्ट वीडियो में कि दिवाली हम लोग क्यों मनाते हैं। तो दिवाली वाले दिन श्री राम जी रावण को मारकर वापस अयोध्या आए थे और दशहरे वाले दिन उन्होंने रावण को मारा था, उसका वध किया था और लंका से, जो आजकल श्रीलंका के नाम से जाना जाता है, वहां से अयोध्या आने में 24 दिन लगते हैं। तो दशहरे के बाद ये 24वां दिन है जिसको दिवाली के रूप में मनाया जाता है। और उनके आने की खुशी में, क्योंकि वो 14 वर्ष का वनवास काट के आए थे, तो जितने भी अयोध्या वासी थे, जो भी वहाँ के लोग थे, सब ने अपने घरों को अच्छे से सजाया था, अच्छे अच्छे पकवान बनाए थे, चारों तरफ डेकोरेशन की थी, दीपक जलाए थे। तो जो सबसे बड़ा रीजन है आज का सेलिब्रेट करने का वो ये है। कुछ लोगों के यहाँ पर आज से नववर्ष भी शुरू होता है, या आई थिंक अगले दिन से शुरू होता है। जो लोग व्यापार में हैं, बिजनेस करते हैं, वो अपने नए बही खाते बनाते हैं, अपने जो अकाउंट्स होते हैं वो उनके नए बनते हैं। और लक्ष्मी पूजन किया जाता है, बोलते हैं आज के दिन लक्ष्मी जी अगर आपके घर आती हैं और आपके घर में हमेशा सुख शांति बनी रहती है, तो लक्ष्मी पूजन भी किया जाता है। तो हर जगह अलग अलग तरीके से दिवाली जो है वो मनाई जाती है। तो घर को डेकोरेट करना, दीपक जलाना, मिठाइयाँ बनाना, ये श्री राम जी के वापस आने की खुशी में, और लक्ष्मी पूजन किया जाता है सुख समृद्धि और परिवार में अच्छे से हंसी खुशी लाने के लिए। तो बस मेरी जो उरली वगैरह है वो सब अच्छे से तैयार हो चुकी हैं एक प्लेट में, और मैंने दिए लगा दिए हैं। और ये वाले जो दिए हैं ये भी हम लंदन से लेकर आए थे, साउथ हॉल से, और काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें हैं। वहाँ पर त्योहार आते ही हर चीज़ बहुत महंगी हो जाती है, तो शायद अब जब त्योहार चले जाएंगे तो ये कुछ चीज़ें सस्ती मिल जाएं। तो अगर कोई लंदन में है तो वो नेक्स्ट ईयर के लिए फॉर श्योर स्टॉक कर सकता है अगर सस्ते हो तो। बट मुझे ये काफ़ी महंगे मिले, लेकिन इतने अच्छे लग रहे थे ये दिए, और दिवाली दियों का त्योहार है तो बस मैंने ये ले लिए थे, और बहुत अच्छा इनसे लुक आया है और डेकोरेट करना बहुत बहुत अच्छा लगता है। तो बस अब जैसे ही ये सारी डेकोरेशन मेरी डन होगी, इसके बाद फिर मैं दोपहर के खाने की तरफ चलूंगी। और रंगोली बनाना मुझे बहुत पसंद है, लेकिन मेरे घर में कहीं भी कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर मैं रंगोली बना सकूं कलर वाली। पूरे घर में कारपेट है, सिर्फ किचन में ही थोड़ा सा स्पेस है, लेकिन वहां पर आना जाना लगा रहता है तो नहीं बना सकती हूं। तो बस मैंने ये फूलों की एक छोटी सी रंगोली जो है अपने किचन काउंटर पर ही बना दी थी, जहां पर थोड़ा सा स्पेस है। तो बस ये है कि शगुन के तौर पर ये एक रंगोली जो है वो बन गई है और अच्छी लगती है, बहुत सिंपल सी है बिल्कुल। और लेकिन मज़ा जो फ्लोर पे बनाने का है रंगों से रंगोली का, वो अलग ही है। जब घर पर थी तो हमेशा बनाया करती थी। तो बस जो रंगोली है मेरी छोटी सी वो तैयार हो गई है और मैंने इसमें कैंडल्स रख दी हैं, और जितनी भी कैंडल्स वगैरह हैं वो शाम को जलाऊंगी। और यहाँ पर हमने लक्ष्मी जी के चरण लगा दिए हैं मेरे घर की लक्ष्मी के द्वारा, और वो बहुत खुश थी और बहुत अच्छे से उसने प्रेस कर करके ये लगाए हैं। तो अब बनाते हैं दोपहर का खाना। तो मैंने बस कढ़ाई चढ़ाई है और उसमें मैंने थोड़ा सा ऑयल डाला है। आप चाहें तो इससे भी कम ले सकते हैं, क्योंकि मैं यहाँ पर पनीर जो है वो फ्राई करने वाली हूँ। आप चाहें तो शैलो फ्राई कर सकते हैं, और ये पनीर के बड़े बड़े स्लाइसेस मैंने काट लिए थे।
कुछ लोग छोटे छोटे भी काट लेते हैं, लेकिन मुझे इस तरह से फ्राई करना अच्छा लगता है। पलटने में आसानी होती है और जब ये अच्छे से चारों तरफ से फ्राई हो जाएं, उसके बाद आप इन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में काट लें। तो मैं हमेशा बड़े स्लाइस जो हैं वो ही काटती हूँ। उधर मैंने बासमती राइस लिए हैं 1 कप, जो मैंने आधे घंटे पहले भिगो दिए थे, उनको भी मैंने पकने के लिए चढ़ा दिया है। तो गर्म पानी मैंने कैटल से डाला है और अपने राइस डाल दिए हैं। और इधर पनीर जो है मेरा वो फ्राई होने लगा है, देखिए कितना अच्छा गोल्डन ब्राउन हुआ है। इसके बाद आप इनको पलट दें अच्छे से और दूसरी तरफ से भी सेक लें, तो ये बिल्कुल इक्वल इवन जो है आपके तैयार होते हैं पनीर के स्लाइसेस। और इधर मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाल दिया है राइस में, ताकि वो उनके अंदर थोड़ा सा सॉल्ट चला जाए। और ये देखिए पनीर जो है मेरा वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। और अगर आप इसको ऐसे भी खाएं ना, चाट मसाला छिड़क कर, तो ये बहुत टेस्टी लगता है। इसके बाद इधर राइस जो है मेरे वो भी डन हो गए हैं। इनको पूरा कुक नहीं करना है, जैसे बिरयानी के राइस रखे जाते हैं थोड़ा सा ग्रेन रह जाए उस तरह से रखने हैं, और आप उनको छान लें। इधर सेम कढ़ाई में ऑयल बचा हुआ था, तो ऑयल को गर्म करके मैंने उसमें थोड़ा से क्यूमिन सीड्स डाले हैं, जैसे ही वो क्रैकल हुए हैं। बे लीव्स मैंने डाला है, तेज पत्ता, और उसके बाद 2 अनियन जो है मीडियम साइज की, वो मैंने थिनली स्लाइस की हुई थी, वो मैंने इसमें ऐड कर दी हैं। और इनको आपको हल्का सा गोल्डन ब्राउन होने तक सेकना है। तो ये देखिए यहाँ पर मेरी हल्की सी गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। फिर मैंने इसमें कोरिएंडर पाउडर, टर्मरिक पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया, हल्दी और मिर्च डाल दिया है थोड़ा थोड़ा। इसके बाद ये होममेड योगर्ट है, जिसके मैंने 4 स्पून जो हैं वो भरकर इसमें डाल दिए हैं, और इससे बहुत अच्छा टेंजी फ्लेवर आ जाता है। और बस इसके बाद आप इसको चला दें और ये एकदम से ही बिल्कुल खुश्क हो जाती है। इसके बाद मैंने लिया है ये तंदूरी मसाला। ये ना हो आपके पास, आप टिक्का मसाला डाल लें या फिर आप थोड़ा सा गरम मसाला डाल लें, इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। फिर ये जो पनीर के टुकड़े हैं, ये मैंने थोड़े छोटे छोटे काट लिए थे, इनको मैंने शामिल कर दिया है। और फिर आप इसमें सॉल्ट ऐड कर दें टेस्ट के अकॉर्डिंग। तो बस वो मैंने इसमें डाल दिया है, और इसके बाद आप इसको कवर करके 2 मिनट के लिए रख दें। और ये है बाहर का वेदर, इतनी तेज बारिश, कैसे मैं बाहर के दिए जलाऊंगी, क्या हम पटाखे छुटाएंगे, तो यहाँ के वेदर का भरोसा नहीं कर सकते हैं। और बस इधर जो है 2 मिनट से ये कुक हो रहा है मेरा पनीर, और सारा जो इसके अंदर मसाले हैं वो जज्ब हो चुके हैं। इसके बाद जो मैंने राइस छाने थे अपने, वो राइस मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं। और इसके बाद आप इसको मिक्स कर दें, और ओवर मिक्स ना करें, क्योंकि इस पुलाव की ये ही एक ब्यूटी है कि कुछ कुछ इसमें जो राइस के दाने हैं वो येलो होते हैं और कुछ कुछ वाइट होते हैं। तो आप बस फोल्ड कर दें इसको हल्का सा, और बिल्कुल सिम पर आप इसको दम दे दें 2-4 मिनट के लिए। और ये देखिए यहाँ पर दम आ चुका है। उसके बाद मैंने इसको हल्का सा फिर से थोड़ा सा मिक्स किया है, और बस मैं इसको अब ढक कर रख दूंगी। और देखिए यहाँ पर ये मेरा जो पनीर का पुलाव है ये बिल्कुल तैयार है। कुछ कुछ बिरयानी का टेस्ट देता है, बहुत जल्दी बन जाता है, बहुत यम्मी बनता है। तो पहले करेंगे हम लंच, और उसके बाद बनाएंगे हम बाकी की चीज़ें। और लंच हो चुका है, और मैंने यहाँ तैयारी शुरू की है एक और मिठाई बनाने की। तो ये सेल्फ राइजिंग फ्लावर है, और मैं इसका 1 कप लेने वाली हूँ। सेल्फ राइजिंग फ्लावर ना हो तो आप 1 कप मैदा ले लें, और 1/8 टीस्पून उसमें बेकिंग सोडा डाल लें। इसके बाद ये योगर्ट है होममेड, इसका मैं अराउंड 1/4 कप के करीब लेने वाली हूँ, और ये थोड़ी सी पतली ही है, बहुत गाढ़ी नहीं है। और यहाँ पर ये है होममेड घी, जो मैं मोयन के लिए यूज करने वाली हूँ। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने यहाँ पर 1 कप जो है वो सेल्फ राइजिंग फ्लावर लिया है, इसमें 1.5 टेबल स्पून मैंने घी का डाला है, और 4 टेबल स्पून भर के ही जो हैं, या 1/4 कप कह ले, मैंने इसमें दही के डाले हैं। और थोड़ा सा पानी मैंने बोल में ले लिया है, ताकि अगर ज़रूरत पड़े तो मैं डालूं, लेकिन ज़रूरत बिल्कुल नहीं पड़ी है। और इस आटे को आप बना लें, और इसको बहुत ज़्यादा गूंथने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको फोल्ड ही करना है, इसको मस लेना, इसको बस फोल्ड करना है आपको, ताकि इसमें सलवटे वगैरह जो हैं वो पड़ी रहे। तो इस तरह से क्रंच कर लें आप इसको। उधर मैंने ऑयल जो है वो भी गर्म होने के लिए रख दिया है, और ये है मेरी गुलाब जामुन वाली चाशनी, जो काफ़ी बची हुई थी। गुलाब जामुन अभी भी बचे हुए हैं, लेकिन चाशनी बहुत ही कम खाई जाती है, तो वो चाशनी मैंने इसमें डाल दी है। और हमें इसे थोड़ी सी जमने वाली कंसिस्टेंसी तक लाना है, सॉरी। और यहाँ पर एडिटिंग में थोड़ी सी गड़बड़ हुई है, तो वो क्लिप दोबारा से यहाँ पर ऐड हो चुकी है। तो मैंने यहाँ पर डाली है वही चाशनी, और इसको हमें थोड़ा सा जमने वाली कंसिस्टेंसी तक लाना है। और उधर ऑयल भी मेरा गर्म होने लग रहा है।
इधर जो आटा है मेरा, उसकी मैंने छोटी छोटी सी बोल्स जो हैं वो डाल ली हैं, तोड़ ली हैं, जितना बड़ा आपको साइज रखना हो बालूशाही का। और बस आप इसको बहुत हल्का सा रोल करें, स्मूथ करने की जरूरत नहीं है, इसके किनारे फटे फटे ही होते हैं, तभी इसके अंदर अंदर तक जो है वो रस जाता है, चाशनी जाती है, अदरवाइज नहीं जाती है। तो बस हल्का सा रोल करें और बीच में से प्रेस कर दें। और उधर मैंने एक बालूशाही डालकर देखी है ऑयल को टेस्ट करने के लिए, और वो हो गई है। उधर जो चाशनी है हमारी, वो भी ऑलमोस्ट डन होने वाली है, काफी बबल्स आने लगे हैं। और आप यहाँ पर बालूशाही डालें और थोड़ी देर बाद ये फ्लोट होकर अपने ऊपर ही अपने आप ही आ जाती हैं ऊपर तेल में, देखिए ये आने लगी हैं। और बस आप इनको बिल्कुल मीडियम हीट पर सेकें, तेज बिल्कुल भी ना रखें, नहीं तो ये ऊपर से सिक जाएंगी और अंदर से कच्ची रह जाएंगी। और बहुत से लोग पूछ रहे थे कि करवा चौथ पर क्या प्रेजेंट मिला है, तो मुझे ये ब्रेसलेट मिला है करवा चौथ पे, और बहुत अच्छा है ये, उसी दिन से पहना हुआ है मैंने। और उधर जो है शुगर सिरप मेरा अच्छे से डन है, और वो साइड से लगने लगता है, जमने लगता है, तो बस आप उस टाइम पर उसको बंद कर दें। और इधर जो बालूशाही है आपकी, उनको आप पलट दें, और पलट पलट कर 2-3 बार आप इनको गोल्डन ब्राउन होने तक सेकते रहें। तो देखिए अब मेरी एक तरफ से सेक चुकी हैं, फिर मैंने उनको पलट दिया है। तो बस मीडियम हीट पर आप सेकें, और 10 से 12 मिनट इनको लग जाते हैं सिकने में। और यहाँ पर बालूशाही जो है मेरी वो ऑलमोस्ट डन है, बस अब मैं इनको पेपर टॉवल पर निकाल लूंगी। और जो चाशनी और बालूशाही है वो दोनों ही हल्की गर्म होनी चाहिए आपकी, दोनों चीज पूरी गर्म नहीं होनी चाहिए और पूरी ठंडी भी नहीं होनी चाहिए, नीम गर्म होनी चाहिए। इसके बाद आप शुगर सिरप लें और उसमें अपनी जो बालूशाही है उनको आप इस तरह से डिप कर दें। तो मैं हमेशा बालूशाही के लिए जो चाशनी होती है वो हमेशा बड़े बर्तन में बनाती हूँ ताकि वो अच्छे से इसमें फिट हो जाए। तो देखिए सारी की सारी मेरी फिट हो चुकी है इसमें। 2 मिनट के लिए आप इनको छोड़ दें, उसके बाद आप इनको पलट दें दूसरी तरफ से, ताकि दूसरी तरफ भी इनके अंदर रस जो है वो एब्जॉर्ब हो जाए अच्छे से। तो इसी तरह आप इनको 2-2 मिनट छोड़कर 2-3 बार चाशनी में पलट लें, और बस फिर इनके ऊपर अच्छे से शुगर की कोटिंग हो जाएगी। तो ये देखिए मैंने 2-3 बार ये पलट ली थी और शुगर की कोटिंग इनके ऊपर बहुत अच्छे से हो चुकी है, अंदर तक रस इनमें चला गया है। और अगर आप एक बार इस रेसिपी से बालूशाही बनाएंगे तो आप दोबारा कभी बाहर से नहीं खरीदेंगे। इसके बाद थोड़ी सी डेकोरेशन, जिसमें मैं बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हूँ बट आई ऑलवेज ट्राई, तो थोड़े से पिस्ताशियो लिए हैं थिनली स्लाइस किए हुए, वो मैंने इनके ऊपर डाल दिए हैं और बहुत अच्छा लुक आया है, इनसे अपीलिंग लग रही है काफी। और ये देखिए कितनी यमी बालूशाही बनी है, बहुत अच्छी लगती है, तो प्लीज जरूर ट्राई कीजिएगा। इसके बाद बारी आती है दही बड़े बनाने की। तो मैंने रात को एक आधा कप उड़द की दाल और मूंग की दाल को भिगो दिया था, सुबह उठकर उनको दरदरा मैंने पीस लिया है, और बस अभी मैंने उसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाला है, आई थिंक 1/8 टीस्पून होगा, उससे ये बहुत ज्यादा फ्लफी बनते हैं और जो वो इसको मथने का काम होता है वो उससे आप बच जाते हैं, नहीं तो दही बड़ों के लिए आपको बहुत देर तक इस मिक्सचर को फेंटना पड़ता है। जब तक मेरा ऑयल गर्म हो रहा है तब तक मैं दही जो है वो तैयार कर लेती हूँ दही बड़े के लिए। तो ये होममेड योगर्ट है जिसको मैंने अच्छे से बीट कर लिया है, और जो यूरोपियन कंट्रीज में है, यूके में है, वो ग्रीक स्टाइल योगर्ट जो है वो यूज कर सकते हैं। तो वो योगर्ट मैंने ली है, थोड़ी सी मैंने शुगर डाली है, 1 टेबल स्पून डाली होगी, और उसके बाद मैंने थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, और टेस्ट के अकॉर्डिंग डालें जितना आपको चाहिए। जो दही बड़े का मिक्सचर है उसमें भी मैंने सॉल्ट डाला हुआ है, तो ऊपर से सॉल्ट डालने की जरूरत नहीं पड़ती, तो मैं हमेशा दही में ही डाल लेती हूँ। और पानी के हिसाब से आप जो है दही को एडजस्ट कर लें, बहुत ज्यादा थिक ना रखें और बहुत ज्यादा पतला भी ना रखें। इधर ऑयल मेरा हॉट है और इसमें मैंने अपने जो दही बड़े हैं वो बनाने शुरू कर दिए हैं। तो छोटे बड़े जैसे चाहें आप बना सकते हैं, कुछ लोग तो बिल्कुल ही गोल गोल बनाते हैं, मुझसे तो जैसे बनते हैं वैसे मैं बना लेती हूँ, और छोटे छोटे ही बनाए हैं दही बड़ों के लिए ताकि 1-2 दही बड़े में काम चल जाए। तो बस आप इनको अब पलट पलट कर मीडियम हीट पर गोल्डन ब्राउन होने तक सेक लें, बहुत अच्छा टेस्ट आता है इनका। और त्योहारों की तो खासियत ही है ये कि हाँ बस उल्टा सीधा फ्राइड मीठा शीठा जो है सब खाओ त्योहारों के बहाने से। और बस यहाँ पर जो मेरे दही बड़े हैं वो दही बड़े क्या बोलूँ बड़े जो हैं वो तलकर तैयार हो चुके हैं, और ये देखिए कितने यमी लगते हैं। और जैसे ही ये तलकर निकले आप इनको लुक वार्म वाटर में डिप कर दें, और दही बड़े की खासियत यही है कि सारा का सारा ऑयल जो है वो उस पानी में निकल जाता है। और यहाँ पर मैंने ये कुछ
बड़े साइज के तले हैं जो मिक्स प्लेट में यूज होंगे। तो अब इसके बाद 2 मिनट इनको मैंने डूबा रहने दिया है पानी में, और बस आप इनको निचोड़ कर फिर अपनी सर्विंग डिश जो है उसमें निकाल लें। और दही बड़े की एक और रेसिपी मैंने होली स्नैक्स में भी दी है, तो आप वो भी चेक कर सकते हैं। वो बहुत इजी हैं और बहुत अच्छे बनते हैं। मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो दही बड़े जैसे ही आपके आपने सर्विंग डिश में लगाएं, उसके बाद आप उसके ऊपर दही पोर कर दें अच्छे से। वो अच्छे से डूब जाने चाहिए क्योंकि ये सारी की सारी दही जो है वो एब्जॉर्ब कर लेंगे। इसके बाद ये टैमरिंड सॉस है जो मैगी की है आई थिंक, और बस मैंने उसको हल्का सा पतला किया है। मैंने घर पर नहीं बनाई है ये, यहाँ पर स्टोर बॉट मिल जाती है और बहुत अच्छी रहती है, तो जब से ये मिलनी शुरू हुई है तब से मैंने कभी भी घर पर नहीं बनाई है। इसके बाद इसके ऊपर आप चाट मसाला डाल दें, थोड़ी सी मिर्च डालना चाहते हो तो मिर्च डाल दें। अब क्योंकि बेटी भी खाती है तो मैंने मिर्च वगैरह नहीं डाली है, बस चाट मसाला डाल दिया है इसके ऊपर, और हमारे मस्त से दही बड़े तैयार हैं। इसके बाद बारी आती है नेक्स्ट चाट की। तो मैंने यहाँ उबले हुए छोले लिए हैं, वही टैमरिन की सॉस है, प्याज ली है, धनिया है, आलू है उबला हुआ, और हरी मिर्च है, और टमाटर है, और इन सबको मैंने बारीक बारीक काट लिया है। इसके अलावा सॉल्ट, चाट मसाला, उन सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। बाकी यही इंग्रेडिएंट्स हैं आपकी चना चाट को बनाने के। तो बस आपको ये सारी चीजें जो हैं वो एक साथ मिक्स करनी है। तो टमाटर, प्याज, मिर्च, आलू जो है, थोड़ा सा धनिया, वो सब मैंने इसमें ऐड कर लिया है। थोड़ा सा आप इसमें सॉल्ट डाल दें, और जब चने उबाले थे तो उसमें भी सॉल्ट था तो आप अंदाजे से ही डालें। और थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला डाला है, इसके बाद थोड़ी सी रेड चिली पाउडर डाला है, और अराउंड से मैंने इसमें 3.5 टीस्पून जो है वो टैमरिंड सॉस जो है वो डाली है, और आपकी यम्मी सी जो चना चाट है वो तैयार हो जाती है। बहुत क्विक स्नैक है ये। मैं हमेशा घर में छोले जो है वो उबाल कर रखती हूँ, और जब भी मन करता है तो बेकार की मंचिंग से बेटर है कि आप इस तरह से चाट बनाकर खा लें, तो बहुत अच्छी लगती है। और बस इसके ऊपर आप धनिया डालकर गार्निश कर दें, आपकी चाट तैयार है। और अब बनाते हैं हम मिक्स प्लेट। तो वो दही बड़े हैं, दही है, और टैमरिंड की सॉस है, ये भी चना चाट है जो हमने अभी बनाई है, और ये हैं क्रैकर्स जो यहाँ पर मिलते हैं, क्रीम क्रैकर्स बोलते हैं। पापड़ी चाहिए होती है, मेरे पास पापड़ी नहीं थी और ना मैंने बनाई थी, तो मैंने बस ये क्रैकर लिए हैं, और ये भी सेम टेस्ट देते हैं। और ये है हल्दीराम की आलू भुजिया जो ऊपर से गार्निशिंग के लिए हमें जरूरत पड़ेगी। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं अपनी मिक्स प्लेट। तो एक दही बड़ा लें, उसको आप फोड़ दें, उसके बाद उसके ऊपर आप दही जो है वो लिबरली अच्छे से डाल दें। उसके बाद जो क्रैकर्स हैं या पापड़ी हो आपके पास, आपने वो बनाई हो तो वो डाल दें। उसके बाद आप दही फिर से डालें, थोड़ी सी टैमरिंड सॉस डालें आप, फिर इसके ऊपर आप जो चना चाट आपने अभी बनाई थी वो ऐड कर दें, फिर थोड़ी सी दही डालें इसके ऊपर, और फिर टैमरिंड सॉस दोबारा से डालें। बहुत यमी लगती है। थोड़ा सा आप इसके ऊपर चाट मसाला डाल दें, मिर्ची डालनी हो मिर्ची डाल लें, और फिर ये जो भुजिया है, और कुछ लोग अनार के दाने भी डालते हैं अगर वो डालने हो तो वो डालें, और हमारी यमी सी मिक्स प्लेट चाट जो है वो तैयार है, बहुत अच्छी लगती है। और अब हो गई है शाम, सारी चीज़ें जो है वो तैयार हो चुकी हैं पूजा के लिए। जितनी भी कैंडल्स वगैरह रखनी थी घर में वो सब मैंने तैयार करके रख दी हैं, और रंगोली भी मेरी अच्छी लग रही है, सब कुछ तैयार है, पूजा की तैयारी है। तो बस अब हम बैठ कर करेंगे पूजा। शाम हो चुकी है और अद्वी बहुत खुश है। तो चलिए अब मिलते हैं फिर पूजा के बाद, और लाइटन होने के बाद सारी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। और ये है शाम का खाना। तो यहाँ पर मैंने भंडारे वाले आलू बनाए हैं, पूरियाँ बनाई हैं, और मैंने बनाई है खट्टी मीठी कद्दू की सब्जी, पेठे की सब्जी जिसको बोला जाता है। और इन तीनों चीज़ों की जो रेसिपी है वो ऑलरेडी चैनल पर है, तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप वहां से चेक कर सकते हैं। तो ये हमारा शाम का खाना है, आज का पक्का खाना बनता है तो इसलिए पूरी सब्जी बनाई है। तो बस अब पूजा हमने कर ली है, और अब दिया जो है वो हम जलाना शुरू कर रहे हैं हर जगह। तो सबसे पहले जो रंगोली के हैं मेरे दिए, दिए ही बोल रही हूँ, टी लाइट्स हैं, वो मैं जला रही हूँ, और जलने के बाद बहुत बहुत अच्छी लगती है, जो पूरे घर में एक वॉर्म सी फीलिंग आती है दिवाली वाले दिन, वो बहुत अच्छी लगती है। एंड सीरियसली आई एम मिसिंग होम टू बैडली। मम्मी भी बता रही थी कि सब आते हैं दिवाली पर, सब मिल जाते हैं, पर बेटियाँ नहीं आ पाती हैं दिवाली वाले दिन। एंड इट रियली आंसू आ गए कि
क्या करें, क्योंकि शादी के बाद सब दिवाली अपने घर में बनाते हैं। मेरा ये घर है, इंडिया भी जाएंगे तो ससुराल में ही मनाऊंगी। तो बेचारी बेटियां क्या करें, वो फंस जाती हैं, माँ बाप को भी देखती हैं, सास ससुर को भी देखती हैं, तो क्या करें। तो बस अब दिए वगैरह जो हैं वो सब जला दिए हैं और अब मैं बाहर रख रही हूँ। एंड थैंक गॉड वेदर जो है वो थोड़ा सा ठीक है अब बाहर का। और ये है अद्वि का प्रेजेंट दिवाली का, उसको ये बैग मिला है। इस बैग के ऊपर आप कलर कर सकते हैं एंड शी इज कलरिंग क्वीन, उसको कलर करना बहुत पसंद है। और बस अब हम बाहर आए हैं शगुन के तौर पर। थोड़े से हमने यहाँ पर फायरवर्क्स किए हैं, फुलझड़ियाँ जला रहे हैं, मुझे भी ज़्यादा धूम धड़ाका पसंद नहीं है। तो बस हमने फुलझड़ियाँ खरीदी थी और थोड़े से हमने फाउंटेन्स खरीदे थे, अनार जिसको बोलते हैं, और बस हम वो कर रहे हैं। औरत भी यहाँ पर पूरा गा रही थी हैप्पी दिवाली। तो ये बस थोड़े से अनार है और देखिए कितना स्मोक है, आई रियली डोंट लाइक, बहुत पोल्यूशन हो जाता है। तो बस शगुन के तौर पर एक दो पटाखा, दैट्स मोर देन इनफ, इससे ज्यादा नहीं। तो हमने बस वही किए थे और बस थैंक गॉड टू वेदर के वेदर बहुत अच्छा हो गया था शाम तक, नहीं तो सुबह तो इतनी बारिश थी, सीरियसली कांट टेल यू। तो बस अब चलेंगे अंदर और खाते हैं खाना, भूख लग रही है। दोपहर 1 बजे खाया था, उसके बाद से कुछ नहीं खाया, बस बनाने बनाने में ही लगे हुए हैं। और ये सब लाइटिंग्स है और आपको घर दिखा देती हूँ कि किस किस तरह से फाइनली घर जो है वो डेकोरेट हुआ है और सारी कैंडल्स वगैरह जल चुकी हैं। तो बस आज के दिन मेरी भगवान से यही प्रार्थना है कि सबके घर में खुशहाली रहे, सबको खाने को खाना मिलता रहे, सबको पहनने को कपड़ा मिले, सबके सर पे छत हो। ये वो 3 चीजें हैं जिनके बिना दुनिया में किसी का गुजारा नहीं। तो भगवान से यही प्रार्थना है कि सबको ये 3 चीजें जरूर मिले, बाकी चीजें तो फिर मेहनत से आ ही जाती हैं। तो हंसी खुशी सब अपने घरों में सारे त्योहार मनाएं, और त्योहारों का मतलब ही ये होता है, प्यार बांटना, खुशी बांटना। किसी के यहाँ पर कोई त्योहार होता है, किसी के यहाँ पर कोई त्योहार होता है, तो हर त्योहार को मिलजुल कर बनाए। कभी भी लाइक रिलीजन या कम्युनिटी के बीच में ना पड़े। और हालांकि जो लोग परदेश में रहते हैं वो इन बातों को बहुत अच्छे से जानते हैं कि सब लोग कितना मिलजुल कर मनाते हैं इन त्योहारों को। तो यहाँ पर ऐसा नहीं कि कौन हिंदू है कौन मुस्लिम है। मेरी फ्रेंड जो है वो, हम उसके घर जाते हैं ईद मनाने, वो हमारे घर दिवाली मनाने आती है। तो इट्स ऑलवेज वन। तो हमेशा इसी तरह प्यार से सारे त्योहार आप मनाएं और हंसी खुशी अपने परिवारों के साथ रहें। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इफ यू लाइक इट प्लीज गिव अ बिग थम्स अप, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आई रियली नीड योर सपोर्ट एंड आई लव यू ऑल फ्रॉम बॉटम ऑफ माई हार्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। Take care. Bye bye. Let's meet again on your own Deep Soul in One channel. See you later. Bye bye. और अब भी यहाँ पर drawing जो है उसकी शुरू हो चुकी है, bag उसका decorate होने लगा है. Bye bye. Happy Diwali, everybody.